राजस्थान में सीकर जिले में वरमाला डालकर भागने वाले दूल्हे का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पीड़ित और उसके परिवार ने न्याय की मांग को लेकर ज्ञापन दिया था, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने पर देर रात से ही पीड़िता और उसका परिवार दादिया थाने के बाहर धरने पर बैठ गया था। पूरे प्रकरण में शादियों की गुत्थम गुत्थी सामने आती जा रही है। पहले झुंझुनू के तारपुरा गांव के किसान सुरजा राम जांगिड़ की बेटी सुविधा की बुगाला से 3 जुलाई को बारात आई, जो विवाद होने पर फेरों से पहले ही लौट गई। इसके बाद सुविधा के भाई पंकज की शादी बाजवा गांव निवासी जिस कंचन से होनी थी, लेकिन कंचन से भागने वाले दूल्हे अजय ने उससे शादी कर ली। अब उसी कंचन के दो भाई वीरेंद्र और जितेंद्र अजय की दोनों बहनों को प्रियांशु और किस्मत को ब्याहने आएंगे। इन सब के बीच सुविता और ग्रामीण अजय की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। ददिया पुलिस थाने के स्टाफ ने धरने पर बैठे लोगों को हटा दिया है और उनकी ही तरफ से लगाए गए टेंट को भी हटवा दिया गया है और धरने पर बैठे 9 लोगों को शांति भंग 151 में गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 दिन पहले सीकर जिले की तारपुरा में सुरजा राम झांगिड़ के परिवार में सुविता नाम की लड़की की शादी थी, जहां वरमाला तक सभी कार्यक्रम सही ढंग से पूरे हुए, जिसके बाद दूल्हे और उसके परिवार की तरफ से लड़की के घर वालों से गाड़ी की मांग की गई, जहां गरीब परिवार होने की वजह से उन्होंने दहेज देने से साफ इनकार कर दिया। उसके बाद दूल्हा और उसका पूरा परिवार फेरे के मंडप के बीच से ही शादी छोड़कर चले गए थे और दूसरी जगह शादी कर ली। शादी के इस उलझाऊ मामले से हर कोई हैरान है। दूसरी खबर उड़ीसा के झाजपुर से है, जहां सांपों को पकड़ने वाले चितरंजन पंडा के पास कोबरा सांप के बच्चों के निकलने की सूचना पहुंची तो वो मौके पर पहुंचे। वहां देखा कि एक दर्जन सांप के बच्चे गोडाउन में छिपे हुए थे। इन सांपों को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा गया। बिरजाहाट के गोडाउन में सेल्समैन ने 2 सांप के बच्चों को कॉटन बॉक्स के पास घूमते देखा तो उसने सांप पकड़ने वालों को फोन लगा दिया। कॉल से सूचना मिलने पर सांपों को पकड़ने वाले चितरंजन पंडा जब मौके पर पहुंचे तो वहां 10 से 12 कोबरा सांप के बच्चे निकले। कोबरा सांप के बच्चों को पकड़कर एक डिब्बे में रखा गया, बाद में इन सांपों को सुरक्षित जगह पर छोड़ दिया गया। तीसरी खबर नॉर्वे देश से जुड़ी है। साल 2010 में लॉन्च हुए इंस्टाग्राम महज 11 सालों में लोगों की जिंदगियां कई स्तर पर प्रभावित कर चुका है। इस प्लेटफॉर्म पर कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मौजूद हैं, जो अपनी तस्वीरों को फिल्टर्स से एडिट कर इन फोटोज को परफेक्ट बनाते हैं और ऐसी खूबसूरत स्किन या बॉडी की चाह में कई युवक युवतियाँ गलत कदम उठा लेते हैं। हालांकि अब नॉर्वे में ऐसा करने पर एक्शन लिया जाएगा। नॉर्वे के एक नए कानून के मुताबिक अगर प्रतिभाशाली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर साफ तौर पर अपने विज्ञापन वाले पोस्ट पर ये नहीं बताएंगे कि उन्होंने अपनी तस्वीर को एडिट किया है तो उन्हें या तो फाइन देना होगा या फिर जेल की हवा खानी होगी। नॉर्वे के ये नए कानून सिर्फ इंस्टाग्राम नहीं बल्कि फेसबुक, टिकटॉक, ट्विटर और स्नैपचैट जैसे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए लागू होंगे। नॉर्वे मार्केटिंग एक्ट के तहत इसे लाया गया है और इस कानून को सिर्फ विज्ञापन वाले पोस्टर्स के लिए लागू किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।